भाई चूचू चावल के इंतजार में थे हैं ब्राउनी यार हब से ना आप हालत देखो जितने हमारे बजेज हैं हाँ पर है नीचे चलता हूँ तुम लोगों को एक सरप्राइज दिखाता हूँ आज ये आप लोग देखें और बताएं कैसा है माशाल्लाह से बच्चा चलो चलो आ जाओ मिट्टू कैसे हो ठीक हो भूख लगी है मिट्टू को ये लो आहा इतना प्यार आ रहा है मालिक पे इतना प्यार खाने का प्यार है या वैसे वाला प्यार है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे यार मिट्ठुओं को खाने डालना सबसे पहला फर्ज होता है मेरा सुबह उठते ही सबसे पहले इनका खाना पानी होता है सबसे पहले मैं इनका करता हूँ खैर यार सेटअप पे जा रहा था मैं चलते हैं और आज यार मैंने इनका ना ये बाजरा भिगो के रख दिया था पानी में क्योंकि सादा बाजरा खिला रहे ना वो गर्म पड़ रहा है इनके लिए बहुत और ये जो खाते ना इनका पूटा जो होता है यार और असील है हमारे पास तो उनके बहुत गर्मी हो जाती है तो इस वजह से बाजरा भिगो के दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी उसकी तासीर ठंडी रहे तो फिलहाल मैंने भिगोया हुआ है अब एक काम करता हूँ इन सारों को डाल दूँ बाजरा बाकियों को भी पहले सबको डाल दूँ फिर आप लोगों से मिनान से मिलते हैं और देखते हैं कि हमारे सेटअप पे क्या क्या हो रहा है किसी ने कोई अंडा बच्चा कुछ आया या नहीं यार बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा है खैर सबको खाना पीना तो कर दिया पर मेरी हालत टाइट हो गई इतनी सी देर में नहा धोकर आया हूँ मैं बाल गीले हो रहे थे आप हालत देखें ये पूरा पसीने में हो गया खैर और इनकी भी देखें यार इनका पानी ख़त्म हो जाता है पूरा ये पानी ख़त्म कर देते हैं जबकि इनको दिन में मुझे 3 टाइम पानी देना पड़ रहा है सबसे सुबह उसके बाद 20 टाइम में आके देखता हूँ तो फिर बोतल से डाल के जाता हूँ फिर अब शाम में आता हूँ तो एक एक का पानी अलग अलग करके चेंज करना पड़ता है सबका यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हर मरतबा यार पानी गिराती रहती है पता नहीं इस मुर्गी को क्या हुई है देखें फिर गिरा दिया इसने इधर उधर ये कुड़क मुर्गी है पानी ज़्यादा नहीं पीती है गिराती ज़्यादा है भाई चूचू चावल के इंतज़ार में थे हैं ब्राउनी जो है हमारा चावल बहुत शौक से खाता है बेचारा चावल के इंतज़ार में था पर आज था नहीं कुछ ज़्यादा कटा हुआ और वैसे भी नहीं पड़ा था तो मैंने जब इनको बाजरा भिगो के पहले ही चला गया था मैंने बोला आज ये खिला देंगे तो एक दो दिन चल जाता है कोई ऐसा मसला नहीं होता एक दिन अगर आप खिला दो दूसरे दिन कुछ और चेंज कर सकता है इंसान दाना यार हब से ना आप हालत देखो जितने हमारे बजेज हैं हाँप रहे हैं पानी आनी सब इन पे मार के गया हूँ मैं फिर भी इनकी हालतें देखो आप हब से हाँप रहे हैं गर्मी से ये देखें सारे के सारे यार बस अल्लाह पाक यार गर्मी जो है ना वो थोड़ी कम कर दे और पर बारिश ना हो यार बारिश हो गई तो बकराईद का पूरा सीज़न ख़राब हो जाता है आप लोगों को पता है यहाँ तो वैसे ही हमारा रोड ऐसे भरते हैं पानी से हर जगह के पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह से तो खैर यार अब जो है ना इनको तो मैंने पूरा कर दिया सारों को खिला पिला दिया खैर नीचे चलता हूँ तुम लोगों को एक सरप्राइज दिखाता हूँ आज सरप्राइज क्या बल्कि सिद्दीकी ब्रदर्स चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा मंडी गए थे वहाँ हमें जानवर तो नहीं मिला पर हमें एक ऐसी चीज़ भाई ने ली थी जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी पर दिखा नहीं पाया था तो आज मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि वो हम क्या लेकर आए थे चल दें यार वो जो चीज़ है जो हम लेकर आए वो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ यार मैं गलत बोल गया मंडी में नहीं मिला था ये हमारे को मिला था किले से किले पे जब हम गए थे बकरा लेने तो ये बात है कल की नहीं जुम्मे की तो ये आप लोग देखें और बताएं कैसा है माशाल्लाह से बच्चा ये देखें इसकी आँख देखें कितनी प्यारी है फुल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अभी ये पट्टा है बड़ा नहीं है पर इसकी अजान की आवाज़ सुबह में ऐसी आ रही है बेहतरीन तरीके वाली बाकी प्योर असील बच्चा है और ये भी परचेज अत्थर भाई ने ही किया था और उन्होंने पता नहीं कहाँ से ले लिया था हम तो बकरा ढूंढने में लगे हुए थे वो लेकर आ गए थे तो यार देखें आप लोगों को कैसा लगा लाजमी बताएगा मैं उठा के दिखाता हूँ यार कैमरा पकड़ना सर तो यार ये चेक करें माशाल्लाह से मैंने उठा लिया इसको हाथ में हाँ चेक करें इसकी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी चीज है यार ये और हमजा ही बेहतर बता देने नीचे मत ले आना दादा टांगे नहीं दिखानी भाई इनकी जब भी दिखाते हैं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ पड़ जाता था हर बार की तरह स्ट्राइक तो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है कुछ हो ना जाए चैनल पे वापसी तो खैर दोस्तों कैसा लगा यार बाकी जिसको पहचाने वो इसकी नस्ल लाजमी बताए मुझे कौन सी नस्ल है मुझे तो पता है भाई ने बता दी थी पर मैं आप लोगों से भी सुनना चाहता हूँ तो कमेंट में लाजमी बताएं आप लोग गैस करें देख लें पूरा मुर्गा आपके सामने है माशाल्लाह से अच्छा हाइट का दावर मुर्गा है छोटा नहीं है अभी पट्टा है और इसकी आप हाइट चेक करो यार
शहर से हमने घर में शॉप पे ना वापसी से दोस्तों स्टार्टिंग ले ली है। पहले हम दो बच्चे लाए थे चूजों के दोस्तों, उसके बाद अब ये आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में शौक वापसी हमने स्टार्टिंग ले ली है। ऊपर जल्द अज जल्द हम जो बकराई से पहले पहले ना सेटअप कर देंगे सही। यार गर्मी हो रही है, पसीने इतने आ रहे हैं मुझे बोलते हुए, यार आप लोग यकीन मानो बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। तो खैर कैसा लगा यार कमेंट में लाजमी बताना। बकराई से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था सेटिंग हम कर देंगे इंशाल्लाह, सारे पिंजरे अपनी जगह पे लग जाएंगे, खुला रखेंगे और मुर्गे आते रहेंगे। अभी हमें एक और की तलाश है मुर्गे की, जो बहुत जल्द आके हम लोग ना आप लोगों को सरप्राइज देंगे। बाकी भाई ये हमारे पास आ गया फाइनली, अभी ये नीचे इंशाल्लाह एक से दो दिन में हम इसको ऊपर कर देंगे। हाँ भाई ब्लैकी तुम्हारे क्या हाल है? भाई ब्लैकी जो है ना हमारे, आराम से ब्लैकी को हरा बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। सुबह से ना ही हमसे हरा ही मांग रहा था, पर पड़ा हुआ नहीं था और किसी का चक्कर भी नहीं लगा, तो भाई ने बोला यार शाम में मैं लाके देता हूँ। तो शाम में अभी बाहर से आए तो ब्लैकी के लिए लेते हुए आए थे हमारे छोटे के लिए ये, पर ये शौक से खा नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों कम खा रहा। गर्मी बहुत है ना, गर्मी की वजह से। गर्मी ने यार हर किसी का ना एक तो पारा शॉर्ट करा हुआ है, मीटर अलग चौट हुआ है, और मेरे हिसाब से जो गुस्से वाले लोग होंगे ना वो वैसे ही आधे हुए होंगे इस गर्मी की वजह से। बाकी यार हमारे जो गंजे बच्चे हैं इनका अभी मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने भाई को बोला है किसके साथ, इतना मारेगा ना ये, मारेगा बच्चे भाई, मारेगा बच्चों को, मारेगा क्यों नहीं मारेगा, ये चौबट्टा बहुत मारेगा बच्चों के साथ। भाई बोल रहे बाहर छोड़ो बड़े वाले मुर्गे के साथ, हमारा जो नया आया है इन दोनों बच्चों को तो नहीं होंगे, मतलब नहीं मारेगा वो, बहुत छोटे उनका साइज देखो आप, मतलब छोटे हैं ये, अगर इतने इतने से होते ना तब भी हमला करता, अभी तो बड़े हैं ये, इनको लड़ेगा इनसे, अभी भी अगर मैं छोड़ूंगा ना लाजमी लड़ेगा वो। ट्राई कर लेता हूँ एक हल्का सा दिखा के, ठीक है पकड़ो 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 पकड़ो, मैं बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ ना, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर अंदर चलो अंदर चलो। हाँ भाई हो गई आपकी पूरी आप हंस रहे हो अब हंस रहे हैं भाई साहब, बोल रहा हूँ मारेगा ये मारेगा वे, ख्याल कर भाई ख्याल कर यार, हमारे दोनों चूजों का इसने तो है, इतना खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक हो। देखो यार कैसा खौफनाक लग रहा है, खतरनाक, इसकी आंखें देखें किस तरीके से छोटी बड़ी हो रही है, देखिएगा वाजे हो रही हो तो, ये देखें छोटी बड़ी हो रही है। भाई बड़ा गुस्से वाला मुर्गा उठा के लिए आए हैं भाई साहब, बचना पड़ेगा इससे क्योंकि बड़ा होगा ना जब ये चुटकियों पे आते हैं तो भाई ये काटते पीछे भी लगते हैं। चले यार जल्द अज जल्द इसको भी सेटअप पे ले जाएंगे। बाकी दोस्तों एक चीज की मुझे खुशी है कि अल्लाह पाक से जितना मांगा उसने हमेशा उससे बढ़ के दिया, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं, आप लोग भी शुक्र अदा करा करें अल्लाह पाक का हर हाल में। अल्लाह पाक ने हमारे को माशाल्लाह से देखें एक से बढ़ के एक चीज दे दी, ये इतना प्यारा आज मुर्गा आ गया हमारे पास कल से, और दो बच्चे भी हम लेकर आ गए परचेज करके, तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक हल्के हल्के करके वापसी सेटअप को खड़ा कर देगा इंशाल्लाह। यार आखिर में आप लोगों ने लाजमी बताना है आप लोगों को हमारा मुर्गा कैसा लगा, और इसका नाम भी सजेस्ट करें, हम इसका नाम रख देंगे बस, क्योंकि घर में शौक के हिसाब से अब हमारे पास ये पहला मुर्गा आया है बड़े में पट्टे में, मतलब पट्टा तो है लेकिन बड़ा है छोटा नहीं कहलाएगा, तो इसका लाजमी नाम सजेस्ट करें ताकि हम इसका वो नाम रख दें। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय। हाँ भाई देखिए क्या हुआ, तो परेशान क्यों है यार।